देश के लोगों के साथ बेईमाना मत करो। पाकिस्तान बर्बाद मुल्क है। पाकिस्तान के कोई हैसियत औकात हिंदुस्तान के सामने नहीं है और ना हमको पाकिस्तान से कोई लेना देना है। अरे हमें मुकाबला करना है तो चाइना के साथ करना है, हमें मुकाबला करना है तो अमेरिका के साथ करना है, हमें मुकाबला करना है तो जर्मनी के साथ करना है। उस बर्बाद मुल्क को क्या देखें। लेकिन ये इनको बात तो एक ही काम है, मैं पाकिस्तान नहीं कर दिया। 70 साल के अंदर पाकिस्तान खाली रहा, लेकिन 70 साल में कांग्रेस ने कभी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान की जीडीपी को हिंदुस्तान के बराबर भी आने नहीं दिया। मोदी तुम्हारे 70 साल की बात करने वाले, मोदी जी तुम्हारे 5 साल की कारनामों ने पाकिस्तान की जीडीपी को हिंदुस्तान के ऊपर पहुंचा दिया। तुम्हारी सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, तुम्हें अपने गिरेबा में झांकना चाहिए कि तुम देश को कहां ले जा रहे हो। बांग्लादेश छोटा सा मुल्क है, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कह रही है कि लाओ तो सूची कौन हमारे यहां से आया है। तुम्हारी जीडीपी 4 से नीचे जा रही है, 3.5 पर है, हमारी जीडीपी 8% पर है। हमारे यहां बेरोजगारी नहीं है, हम अपनों को रोजगार देंगे। शर्म नहीं आ रही है। और फिर सीना तान के खड़े हुए पाकिस्तान पाकिस्तान, अरे भाड़ में गया पाकिस्तान। मोदी साहब मैं वाक्य बता रहा हूँ, ये जो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं को नागरिकता देंगे, चलिए साहब आपके पास कौन सा पैमाना है कि वहां से कोई जासूस या कोई उनका पिट्ठू आकर के हिंदू का भेष बदल करके यहां नागरिकता पाले और देश के साथ गद्दारी करने का काम कर दे। मेरे यहां पर शाहिद भट्टी नाम का एक आदमी, पाकिस्तानी नागरिक, हकीकत नगर मोहल्ला सहारनपुर के अंदर आया और हिंदू बन करके मोहल्ले के अंदर 6 साल रहा, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स बना लिए इसी मुल्क के अंदर और यहां पर जासूसी करता रहा, पाकिस्तान की जासूसी करता रहा। 6 साल के बाद वो पकड़ा गया तो क्या गारंटी मोदी साहब आपके।